हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक है आपका कार्बोकैटायन। ओके, यानी कार्बन के ऊपर आपने अक्सर पॉजिटिव चार्ज देखा होगा, उस पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग कटायन कहते हैं। और ये कार्बोकैटायन आपको कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इसका, ये सारी चीजें आपको आज के वीडियो में, जो इंट्रोडक्शन होता है उसके वीडियो में आज आपको पता चलेगी। साथ में इसके जितने भी आने वाले नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे या वीडियो होंगे, उसके अंदर हम लोग कार्बोकैटायन के एक एक स्टेप के बारे में, एक एक फंक्शन के बारे में, ओके, और इसके एक एक सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली आज का जो पूरा टॉपिक होने वाला है, आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है, वो होने वाला है आपका इंट्रोडक्शन के ऊपर, यानी कार्बोकैटायन क्या होता है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, इसी के बारे में आज पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा टॉपिक डाल सकते हो जिसके अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे कार्बोकैटायन का इंट्रोडक्शन देखोगे, तो मैंने क्या कहा कि कार्बन के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई एक कार्बन है, ओके, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार होती है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है, तो ऑफकोर्स उसकी वैलेंसी क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ पे आपके पास कार्बन की वैलेंसी, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे आपके पास एक CH3 आ गया, ओके, और यहाँ पे आपके पास एक CH3 आ गया। अभी यहाँ पे देखो आपके पास कार्बन के ऊपर टोटल कितने, आपके टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो, एक जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बचता है ना, उसकी जगह पे आप एक पॉजिटिव चार्ज को डालते हो, और इसी के कारण ये आपका एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको करके देता है। ओके, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। अभी यहाँ पे कार्बोकैटायन पहचानने के कुछ अलग अलग तरीके हैं, यानी आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आप कार्बोकैटायन को इजिली आप पहचान सकते हो। तो सबसे पहले आप कार्बन के ऊपर क्या देखोगे कि वहां पे कितने बॉन्ड होने चाहिए, आपके 3 बॉन्ड होने चाहिए। ओके, वहां पे कितने आपके इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके। ओके, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये ट्राइवेलेंट होना चाहिए, यानी आप देख सकते हो सिर्फ 3 ही आपके बॉन्ड इसके अंदर दिख रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे, ट्राइवेलेंट बोलोगे। आपका पॉजिटिव चार्ज हमेशा आपका दिखना चाहिए कि इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हो, जिसको हमने कार्बोकटाइन कहा है। ओके, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कटाइन, कार्बन के ऊपर है इसके लिए उसको हमने कहा है कार्बोकटाइन, यानी कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसके लिए उसको पूरा कंप्लीटली हम उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। ओके, और ये जो पूरा आपका ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप किसके अंदर होना चाहिए, एक सिंगल प्लेन के अंदर होना चाहिए, जिसको हम लोग प्लेनार कहते हैं। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक तरह से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब भी यहाँ पे हम आपको बता देंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। और ऑफ कोर्स आपका जो कार्बोकैटायन है, उसने क्या किया है, किसी ना किसी को क्या किया है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट किया है, जिसकी वजह से उसकी जो वैलेंसी 8 होनी थी वो वहां पे कितनी हो गई है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन की हो गई है। तो इसीलिए ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज कहलाता है। अभी यहाँ पे हमने एक चीज और यहाँ पे बात की कि ये जो कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए। तो एक्चुअली में अगर आप किसी भी ट्राइवेलेंट कंपाउंड को अगर आप देखते हो ना, तो उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये आपके पास एक कार्बन हो गया, यहाँ पे आपके पास ये CH3 ग्रुप हो गया। ओके, यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप हो गया, और यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप हो गया। ओके, और ये पूरा एक्चुअली कैसा होता है, एक प्लेन में होता है इस तरीके से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनार कंपाउंड बोलते हैं। और हमेशा आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि जो भी आपके पास कार्बोकैटायन आप कंसिडर कर रहे हो, वो सारे के सारे जो कार्बोकैटायन होंगे आपके क्या होंगे, प्लेनार होंगे। और इसके अंदर सारे के सारे जो आपके कार्बन होंगे वो क्या होंगे, आपके sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ओके, ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। sp2 का मतलब होता है कि जहां पे आपका CH2 आपका प्रेजेंट होगा। ओके, यानी एक कार्बन होगा और जहां पे हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या उसी को नहीं एक सेकेंड जहां पे आपका एक कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अभी यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि आपका कार्बोकैटायन होता क्या है, किस तरीके से दिखता है, वहां पे क्या क्या चीजें आपको पहचाननी है, ओके, आपको क्या क्या चीजें वहां पे देखनी है किसी भी कार्बोकैटायन के पहचानने के लिए। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, ओके, क्योंकि आपको अलग अलग कार्बोकैटायन देखने के लिए मिलते हैं। आप सिंपली यहाँ पे ट्राइवेलेंट में ही कार्बोकैटायन नहीं देखते, आपको कोई भी आ सकता है कार्बोकैटायन, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकैटायन कि आप गेस करो कि ये कार्बोकैटायन है या नहीं है, ओके। तो सिर्फ आप क्या करने जाओगे, sp2 प्लेनार ट्राइवेलेंट 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके, 6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, ये सारी चीजें तो आप देखोगे ही। उसके साथ साथ यहाँ पे आप फॉर्मेशन भी देखोगे कि अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, क्या ये पर्टिकुलर कंपाउंड से भी हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन बोलते हैं। यानी इस एक पर्टिकुलर कंपाउंड से हमारा एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा हेडिंग डालिए और ये हेडिंग होगा आपका जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन का, ओके। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ओके, यानी किस तरीके से आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हो, यही सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है फ्रॉम अल्काइल हलाइड। तो यहाँ पे हम सबसे पहला तरीका देखेंगे जो होता है आपका फ्रॉम अल्काइल हलाइड, ओके। ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हो, ओके। आपको पता है अल्काइल हलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास एक R ग्रुप ले लो, या यहाँ पे आपके पास एक R ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक R ग्रुप, यहाँ पे आपके पास एक R ग्रुप, और यहाँ पे एक्चुअली हैलाइड ग्रुप में आप X की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, ओके। आपको पता है हैलाइड में जो X होता है वो आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ओके, आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, आपका आयोडीन भी हो सकता है, ओके। ये आपके क्या है, यहाँ पे ग्रुप है जो हैलाइड ग्रुप के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन ले लेते हैं, ओके। तो इसको हम अल्काइल क्लोराइड बोल सकते हैं, ओके। अभी इससे आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका फॉर्मेशन आप करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ओके। अभी इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो क्लोरीन होता है वो क्या करता है, एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है, ओके। जब ये एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म होता है वो होता है, यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, जिससे यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। अल्काइल ग्रुप आपके सेम होंगे, यानी आर की जगह पे आप अगर आपने CH3 लिया है, तो तीनों क्या होंगे, आपके CH3 होंगे। आप उसकी जगह कोई और कंपाउंड भी ले सकते हो। इसके लिए आप कभी कभी हम कैसा करते हैं कि ये अगर आपका आर है तो ये आपका आर डैश हो गया और ये आपका डबल डैश हो गया, ओके। उसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर R1 और आर डबल डैश, ओके। जिसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होता है कि कभी कभी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सर हम एक जो अल्काइल ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं, क्या वो अल्काइल ग्रुप एक सिंगल अल्काइल ग्रुप है, या अलग अलग अल्काइल ग्रुप का हम यहाँ पे एक ही कंपाउंड के अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक ही कंपाउंड के अंदर लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। अगर आपको एक ही कंपाउंड के ऊपर अगर आपको कार्बोकैटायन फाइंड करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लेने हैं और उसके साथ आपको यहाँ पे कार्बोकैटायन देखना है, तो आप उसके साथ भी आप कंफर्टेबली देख सकते हो, ओके। तो ये एक बहुत बेसिक सा यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड का। जैसे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है, ओके, और यहाँ पे इसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हमने क्या किया था, रिएक्शन करवाया था। इसी का मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। आपको पता है कि क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, आपके लोन पेयर होते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप सिंपली देखोगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ पे क्या करता है, ये अटैक करता है, ओके। जब ये एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ से आपके पास इस तरीके से एक आपका इंटरमीडिएट यानी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन के साथ आपका AlCl3 का फॉर्मेशन, ओके, और यहाँ पे आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। अभी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो ऑफकोर्स ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये कार्बन अनस्टेबल हो गया। तो अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए ये क्या करता है, ये पूरे ग्रुप को यहाँ से ये बाहर निकाल देता है, और यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। वहां पे क्या आ जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
और उसके साथ यहाँ पे आपके पास जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है आपका AlCl4 का फॉर्मेशन यहाँ पे आपका होता है। ओके, तो ये सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा है कि आप किस तरीके से अल्काइल हैलाइड की मदद से आप एक कार्बो कटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे आप बहुत इजीली कैसे कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मेशन देखेंगे, यहाँ पे आप दूसरा नंबर डालिए, और इसमें हम जो फॉर्म कर रहे हैं वो किससे हम कर रहे हैं, अल्कोहल से। यानी आप किसी अल्कोहलिक ग्रुप से भी क्या कर सकते हो, आप कार्बो कटायन का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आपको समझा के दूंगा। ओके, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर आपके लोन पेयर होते हैं, करेक्ट। अभी अगर मैंने किसी अल्कोहल को यहाँ पे रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ आपका H+, ओके, तो ये क्या करेगा, वो आपके जो लोन पेयर है वो लोन पेयर किसके ऊपर अटैक करेंगे, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे। यहाँ पे आपका प्रोटोनेशन होगा। ओके, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे आपका प्रोटोनेशन हो रहा है, और जैसे ही आपका प्रोटोनेशन होता है यहाँ पे आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने के लिए मिलता है OH2 का, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ओके, अभी यहाँ पे ये क्या करता है, अपना जो कार्बन होता है सेंट्रल कार्बन, वो अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए ये क्या करता है, यहाँ से ये पूरे ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देता है, और यहाँ पे फाइनली जाके आपके पास एक कार्बो कटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाता है पानी के फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ओके, तो ये आपका फ्रॉम अल्कोहल आप किस तरीके से यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो कार्बो कटायन का, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा है, यहाँ पे जो मेथड है कि आप तीसरा फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हो, तो आप ईथर से भी क्या कर सकते हो, कार्बो कटायन का यहाँ पे आप फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, फ्रॉम ईथर, तो ईथर से किस तरीके से यहाँ पे कार्बो कटायन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ग्रुप लिया है जिसके ऊपर क्या लगा है, कोई OME ग्रुप लगा है। ओके, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, आपके पास लोन पेयर है, और इसका हमने क्या किया है, प्रोटोनेशन किया है H+ के साथ। तो ये जो लोन पेयर है ये सिंपली किसके ऊपर अटैक करेंगे, यहाँ पे H+ के ऊपर, और यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोटोनेशन होगा। ओके, ड्यूरिंग द प्रोटोनेशन ये क्या करता है, H+ जाके OME में अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OME ऑक्सीजन के ऊपर आपका हाइड्रोजन चार्ज। ओके, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन को बैलेंस करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर चले जाता है, और आपके पास इस यहाँ पे एक कार्बो कटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और लास्ट में आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे OME बचता है, और इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आपको बॉन्ड देखने के लिए मिलता है। तो ये हमने किससे प्रिपेयर किया, फ्रॉम ईथर से, और यहाँ पे आपने टोटल तीन ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से आपने देख लिए कि आप किस तरीके से हर एक एग्जाम्पल का यहाँ पे इस्तेमाल करके आप कार्बो कटायन का फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो चौथा यहाँ पे आपका जनरेशन है, वो चौथा जनरेशन है फ्रॉम अल्किन। आप क्या कर सकते हो, अल्किन से भी आप क्या कर सकते हो, कार्बो कटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अल्किन से आपका कार्बो कटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे आपके पास एक अल्किन है। ओके, अभी ये अल्किन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ पे ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये प्रोटोनेशन में जाएगा इस तरीके से। ओके, जब ये प्रोटोनेशन में जाएगा तो इस तरीके से आपके पास एक कार्बो कटायन का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, और ऐसे फॉर्मेशन को हम लोग मतलब अक्सर क्या कहते हैं, मेजर फॉर्मेशन ही कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आप इजिली क्या कर सकते हो, इस पूरे मतलब पॉजिटिव चार्ज को आप इजिली डिलोकलाइज कर सकते हो। ओके, अगर आप सपोज यहाँ पे आपके पास सेम कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे सेम अल्किन लिया है, और इसका सेम यहाँ पे मैंने प्रोटोनेशन किया है। ओके, लेकिन ये जो प्रोटोनेशन हो रहा है आप बैक साइड से देख रहे हो, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ये फ्रंट साइड से मैंने इसका प्रोटोनेशन किया। तो जब आप फ्रंट साइड से इसका प्रोटोनेशन करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास CH2 आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है। ओके, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास जो कंपाउंड मिलता है वो आपके पास प्राइमरी कार्बो कटायन मिलता है। ओके, जब भी आपको प्राइमरी कार्बो कटायन मिलता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेबिलिटी अगर आप डिसाइड करोगे आपके
कार्बोकटाइन के अंदर, तो कार्बोकटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, टर्शरी के अंदर, फिर आपको सेकेंडरी के अंदर, फिर आपको लास्ट में जाके प्राइमरी के अंदर आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे फ्रंट साइड अगर आप अटैक करते हो, प्रोटोनेशन करते हो, तो वहां पे आपको जो स्टेबिलिटी है कार्बोकटाइन की वो ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलती है एज कंपेयर टू आपका बैक साइड अटैक। ओके, तो ये आपका अल्किन का, अल्किन से आपने कार्बोकटाइन का किस तरीके से फॉर्मेशन किया वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है, ओके, ये फॉर्मेशन है आपका अमाइन से। तो आप किस तरीके से आप एक अमाइन से भी आप यहाँ पे कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये मेरे पास एक अमाइन है, ओके, और ये अमाइन ग्रुप अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखता है, यानी बाकी सारी चीजें सेम होती है, सिर्फ क्या आ जाता है आपके पास, NH2 आ जाता है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है। ये सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपका प्रोटोनेशन करेंगे इस हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से, और इस प्रोटोनेशन में आपका जो NH2 है वो किसके साथ अटैच होगा, यहाँ पे NH, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ से जब ये अपना स्टेबिलिटी को यहाँ पे ये करेगा, गेन करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपके पास जो एक फाइनल कंपाउंड फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का, आपके पास कार्बोकटाइन फॉर्म होगा प्लस आपके पास NH3 एक कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो एक तरह से आप अमोनिया भी कह सकते हो NH3 को, NH4 होता है एक्चुअली, लेकिन सम केसेस आप अगर किसी के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो NH3 के फॉर्म में क्या होता है, मतलब अमोनिया बाहर निकलता है। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको फॉर्मेशन बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको एक कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी इसके अंदर अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग हमसे पूछें, आपका जो भी डाउट है आप हमसे क्लियर करें, क्योंकि अगर आप डाउट रखोगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि आपको ये बाद में फिर समझता नहीं है कि किस तरीके से ये सारी चीजों को समझा जाए। इसके लिए हम छोटे छोटे पार्ट में ये सारी चीजों को आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप एक एक टॉपिक ही देखो लेकिन आपको वो पूरा टॉपिक बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ओके, ये नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं समझा कि आपका कार्बोकटाइन कैसा हो, क्या होता है, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कैसा होता है। अभी हमने क्या देखा है, सिर्फ फॉर्मेशन हमने देखा है, लेकिन अलग अलग भी कार्बोकटाइन आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर आपको सब्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिला तो उसमें भी आपका कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, एलिमिनेशन में भी आपको कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें भी आपकी आती है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है जो इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाना अभी के लिए उचित नहीं होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंट्रोडक्शन में इतना ही जो आपको पार्ट कवर किया है इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो रिएक्शन है कार्बोकटाइन का, किस तरीके से रिएक्शन होता है, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है हमारी तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, और उनसे भी आप कहें कि हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आपका कार्बोकटाइन का ही होगा, और हम लोग पूरा कार्बोकटाइन बहुत जल्द इसका जो वीडियोज है, आई थिंक 1 या 2 दिन में ही इसका कंप्लीट जो वीडियो है कार्बोकटाइन का, लगभग 8-9 लेक्चर है, वो पूरा का पूरा आपको जो वीडियो है उसके सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का, प्लीज आप लोग हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओके।